अच्छे से आलू को तोड़ लूँगी। अच्छे से मैश कर लूँगी आलू को। तो आलू को मैं मैश कर चुकी हूँ। अब उस पर कटे हुए प्याज डालूँगी, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक मैं 2 चम्मच डालूंगी, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब अच्छे से मिला लूंगी। मिल चुका है हमारा सब मसाला और नमक सब। अब आटा लूंगी, इसमें जीरा मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, अच्छे से मिला लूंगी। अभी मैं पानी डाल के आटे को गूंथूंगी। आटा तैयार हो चुका है। अब आटे की लोइयां बनाऊंगी। छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी, जैसे रोटी का लेते हैं ना वैसे ही। अब आटे को लगा लूंगी। उसको रोटी की तरह बेल लूंगी। उसको अच्छे से बेल लूंगी, बड़ा ही बेलूंगी थोड़ा। बेल चुकी हूँ। अब उसमें जो मैं आलू की स्टफिंग तैयार की थी उसको इस पे डाल दूंगी। मैं चम्मच से डाली हूँ, हाथ से भी आप हिला सकते हैं अच्छे से। ऐसे ही इसको मैं मोड़ लूंगी, ऐसे ही रोल्स की तरह घुमाते चली जाऊंगी। ऐसे ही अभी जो बगल साइड से खुला हुआ है उसे मैं पानी लगा के उसको बंद कर दूंगी। इसी तरह उस साइड का भी मैं पानी लगा के कैप जो खुला हुआ है उसका बंद कर दूंगी। इससे क्या है कि आलू बाहर नहीं निकलेगा। देखिए ऐसे ही। अभी मैं दूसरा करके दिखा रही हूँ। दूसरा भी वैसे ही सब करना है, रोटी की तरह बेल के उसपे स्टफिंग को भर देंगे। मैं आटे में जीरा डाली हुई हूँ, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। अभी मैं आलू का जो मसाला है उसको मैं हाथ से ही लगाऊंगी। अच्छे से भर दूंगी। अब सेम टू सेम वैसे ही करना है सर।
इसको रोल करके इसको पैक कर देंगे। यहाँ पे भी पानी हल्का सा लगा देंगे। लगाने से क्या होगा कि अच्छे से पैक रहेगा, खुलेगा नहीं। साइड साइड से भी लगा दूंगी। इधर साइड पे भी लगा दूंगी वैसे ही पानी को। अभी तैयार हो चुका है हमारा। अब तलने के लिए कढ़ाई गर्म हो गया है, उसमें घी डालूंगी। मीडियम आंच पे ही रखी हुई हूँ। अब एक एक करके सब डाल दूंगी। मीडियम आंच पे इसलिए रखी हूँ क्योंकि धीमे धीमे अच्छे से पकेगा। तेज करने पे जल्दी हो जाएगा, कलर भी आ जाएगा और अंदर से अच्छे से नहीं लगेगा खाने में। हल्का हल्का कलर आ रहा है। अब पलटूंगी। अभी मैं पलटूंगी सारे रोल्स को। कितना अच्छा कलर लग रहा है। अब हमारा तल चुका है। पलट लूंगी। तैयार हो चुका है। अब इसे मैं निकालूंगी। प्लेट में निकालूंगी। अभी प्लेट में मैं रख दी हूँ। आप चाहे तो आप ऐसे भी काट के देखिए कितने अच्छे आलू भरे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप ऐसे भी काट के खा सकते हैं और वैसे भी अच्छा लगेगा, ऐसे भी काट के बहुत अच्छा लगेगा। तो आज ही बनाए स्प्रिंग रोल्स।